पिछले साल की तरह इस साल भी। अपने जवानों से अगर बुज़ुर्गों की इजाज़त हो मैं एक डेढ़ मिनट बात कर लूँ, है ना? हाँ हाँ, याद रखो। देखो, दूसरी कौमें आईना होती हैं। 21 साल का एक जैन का बच्चा घर में पैसे लाने लगता है, चोरी करके नहीं लाता, वरना मैं मिसाल ना देता। डाका डाल के नहीं लाता, वरना मैं मिसाल नहीं देता। 21 साल में उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ वो अपने काम, पैकेज, वर्क, कंट्रोल सब कुछ शुरू कर देता है। क्यों? अगर तुम लाइट हो और उजाला ना हो तो कैसी लाइट हो? अगर तुम बाप के बाजू हो और उस पर कर्ज बढ़ता चला जाए तो कैसे बाजू हो? अगर घर के कदम हो और घर गिरा जा रहा है तो कैसे कदम हो? अगर घर का यकीन हो और घर डूबा चला जा रहा है तो कैसे यकीन हो? हमारे यहाँ सोशल कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। इतना ख़राब है कि उसे ठीक करने में 100 साल लगेंगे। 100 साल हमारा सोशल कल्चर इतना ख़राब है कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ना तो अरब वाले बोलेंगे कि हमारा पूरा है, ना ही हिंदुस्तान वाले बोलेंगे कि हमारा पूरा। जो हमें पसंद आया उसको हमने रख लिया। अरब वाले से वो रख लिया जो हमें पसंद है, हिंदुस्तान वाले से वो रख लिया जो हमें पसंद है। महसूस कर पा रहे हैं आप? हैं, जवानों से कह रहा हूँ, महसूस कर पा रहे हो? मैं पिछली जनरेशन की बात नहीं, स्पेशली उनसे बात कर रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अगली जनरेशन से बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। घर में 200 रुपये लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ। अपनी कीमत का देखो, मैं पब्लिक से बाद में बोलता हूँ। मैंने 10 साल पहले, 20 साल पहले अपने मौलवी बरादरी में कहा, फला साहब बहुत बड़े खतीब हैं, फला साहब बहुत बड़े आलिम हैं, फला साहब बहुत बड़े फकीह हैं। मैं कहता हूँ भाई, अपना लिबास एक कोने में रखो और फिर सोचो कि दुनिया से तुम 3500 से 4500 या 7500 क्या काम करके ला सकते हो। अपने बच्चों को मौलवियत छोड़ के अगर खिलाना हो तो कैसे खिला सकते हो? मौलवी छोड़ दो, मामा उतार दिया, अबा कबा उतार दिया, कुर्ते पायजामे में आ गए। अब बच्ची को एडमिशन दिलाना है, बच्चे को एडमिशन दिलाना है, घर का टेलीफोन का बिल देना है, घर का बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, सारा बिल भरना है। अब इस मौलवी से मेरा सवाल है, जो कि खुद से भी सवाल है, कि अब मुझे बिना मौलवियत के अपने घर का खर्च चलाना है, मैं किस लायक हूँ? अगर इसका जवाब है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ तो यह जवाब सही नहीं है, क्योंकि ऐसा आलिम अपनी कौम को खड़ा नहीं कर सकता जो खुद खड़ा नहीं है। हाँ, पर हमारे आलिम खड़े नहीं हो सके। क्यों? आपकी वजह से, आपकी वजह से। मौलवी ने जहां मौलवियत से बाहर कदम निकाला, आपके तो होश व हवास खराब हो जाते हैं। आपको तो लगता है जैसे वो दायरे ईमान से बाहर चला गया। आपको तो लगता है जैसे अब उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। आपको तो लगता, अरे भाई अब तो गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े आदमी हो गए, बड़े आदमी हो गए। अरे भाई, कब छोटे आदमी के पीछे आप नमाज पढ़ रहे थे जो आज वो बड़ा हो गया? जाइए बेंगलोर में, एक गांव है अलीपुर, यहाँ सामने जो बैठे हुए लोग होते हैं वो वहाँ उलमा होते हैं। सादे कुर्ते पजामे बैठे हैं, लेकिन 20-25-30 नहीं, 250-300 उलमा हैं उस गाँव में। अकेला गांव है, लेडीज़ के लिए अलग रास्ता, जेंट्स के लिए अलग रास्ता। बेहतरीन गांव है, आप देखिए, वहां जाके ज़िंदगी को समझिए और वो मॉडल को अपनाइए। वो जो मॉडल है ज़िंदगी का, वो जो सांचा है ज़िंदगी का, उसे अपनाइए। देखिए वहां सारे बिजनेसमैन हैं, जितने उलमा हैं, हीरों का व्यापार है उनका। काहे का? हीरों का, पत्थरों का, रूबी का, एमरोल्ड का, ये पत्थरों का काम है उनका। 2 करोड़ से लेके 700-800 करोड़ की वैल्यू के लोग हैं। महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही खुल के दांत देते हैं जैसे आप खुल के दांत दे रहे हैं, वैसे ही सफर करते हैं। मगर मैं पूछूं कहां जा रहे हैं, वो कह रहे सिंगापुर जा रहे हैं। क्या है? वहां पे एक बिजनेस मीटिंग है, इसके लिए जा रहे हैं। आपको अपने आलिम दीन को वक्त के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। आप हज करने जाते हैं, आप ज्यारत में जाते हैं,
आपके साथ एक आलिम होता है, एक टोपी वाला या कमामे वाला, तो आप पसंद करते हैं ना कि वो वहां की जबान जानता हो? पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? अब वहीं जाके वो उर्दू में बात करने लगे तो आप कहेंगे, अरे मौलाना साहब वो उर्दू तो हिंदुस्तान में बोली जाती थी, आपने यहाँ भी बोलना शुरू कर दिया, यहाँ तो हमें अरबी की ज़रूरत है, यहाँ तो हमें फारसी की ज़रूरत है। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत हो आपको, वो आपके पास होना चाहिए। तो मौजू जवानों के लिए है कि याद रखो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनो, घर के रिस्पॉन्सिबल बनो। तुमने कभी बाप से पूछा, कभी तुमने बाप से पूछा कि आपकी आंख की रोशनी कैसी है? क्या आपने चेक कराया है? कभी अपने बाप से पूछा कि आपने अपना ईयर्स का, अपने अपने खून का चेक कराया है कि आपके हार्ट की क्या हालत है, किडनी की क्या हालत है, आपके लंग्स की क्या हालत है? कभी पूछा? नहीं। खाना अच्छा नहीं हुआ तो प्लेट हटा दी, अम्मा आज खाना अच्छा नहीं है। घर की बड़ी बूढ़ी औरत को, भाभी को, बहन को आपने बोल दिया ये क्या खाना है, नमक ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया। भाई ये इस्लाम नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ ये सब चलता है, इस्लाम में ये सब नहीं चलता। अपनी प्लेट उठाइए, धुलिए, खाना खाइए और धुल के रखिए। सेल्फ सर्विस जिसको फैशन की दुनिया में बोलते हैं ना, ये है आपके, ये है आप, ठीक है। आप 10 आदमी को लेके आ गए घर में, अच्छा, क्योंकि आप चौधरी आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप किसी को भी दावत दे सकते हैं, शाम को किसी को भी लेके आ सकते हैं। आ गए आप घर में लेके, हैं, अब आपकी घर की औरत बनाएगी ना? कहाँ लिखा है भाई कि वो 5 आदमी के बदले 10 आदमी का बनाए? बताइए, आपने कभी उसके साथ काम किया? नहीं, हम कैसे कर सकते भाई, मर्द आदमी है, हमारा क्या लेना देना किचन के साथ। तो भैया ये भी मुझे समझा दो कि उसका क्या लेना देना है किचन के साथ। आपको किसने बता दिया है कि उसको पैदा हुई है किचन संभालने के लिए? अगर कहीं आपने लिखा हुआ देखा है तो आप मुझे बता दीजिए कि साहब ये, अब हो सकता है मेरे कुछ दो बुजुर्ग गुस्सा हो जाएं कि इनको तो 2 बार अगर बुला लोगे तो घर का माहौल ख़राब कर देंगे। ठीक है, पर वो कंप्यूटर में देख लीजिएगा, कल भी शेड डालिएगा तो सोशल रिफॉर्मर आएगा। इसका मतलब होता है कि मैं कमियां दिखाता हूं, मैं इसका लिहाज नहीं करूंगा किसका घर है, मेरा भी घर है तो कमियां कमियां हैं और मेरे दुश्मन का भी घर है तो खूबियां खूबियां हैं। शिया कहते ही उसे हैं जो 90 दर्जे को 90 दर्जे का ईमान कहे, 10वें दर्जे को 10वें दर्जे का ईमान। महसूस किया? तो इसलिए मैं अपने आप को उन बुजुर्गों से सेव रखने के लिए मैंने उन जवानों से बात की है जो शादी करने वाले हैं। जो पीछे का मामला है उसे नहीं ठीक किया जा सकता, आगे का जो मामला है, हाँ, आप कैसे कह सकते हैं? हमारे यहां तालीम का इंतजाम कीजिए, बच्चियों को पढ़ाइए। एक बच्चा अपने घर को चलाता है और एक बच्ची एक खानदान को, एक खानदान को। याद रखिएगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी मुस्तरिब होता है, मुस्तरिब, और पढ़ा लिखा मुतमईन होता है। अगर आपको नस्ल को मुस्तरिब छोड़ना है तो लड़कियों को स्कूल और मदरसे और कॉलेज से दूर रखिए, लेकिन अगर आपको मुतमईन करना है पढ़ाइए। और आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल कैसे भेजें, टीचर पढ़ाएगा, ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। 70,000 के कंप्यूटर पे पूरे खानदान को पढ़ा सकते हैं आप, आपको पढ़ाना आता हो, हैं, माफ कीजिएगा, ये लखनऊ में वो जो कपड़े पे काम करते हो, अरे जरदोजी कहते क्या, जरदोजी, जरदोजी का काम करने वाले लोग कितना बारीक काम करते हैं, कितना बारीक काम होता है उनका। काम जब तमाम हो जाता है तो फिर आपको काम देखिए, लोग कोई 4,000 40,000 4,00,000 देते हैं ना उसकी कीमत, हैं, वो बारीक काम उन्हें साड़ी पे करना तो आता है, वो बारीक काम उन्हें नस्लों के लिए करना नहीं आता। बारीक काम की ज़रूरत है, नस्लों के लिए करें। पढ़ाई किसी भी डिपार्टमेंट की पढ़ाई, मान लीजिए हमारा कोई जवान कहे मौलाना हमने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, जिसमें आपके पास ताकत है, आपके पास स्किल मैनेजमेंट कीजिए, आप कहाँ काम आ सकते हैं। अपने को देखिए, परखिए, जैसे कोई टूटा हुआ ईंटा, मेमार मकान बनाने वाला टूटे ईंटे को बेकार नहीं होने देता, उसे किसी ऐसे जगह रखता है जहां उसकी जगह है।
समझ गए मेरी बात को? बस मेरे अजीजान, अपने को टर्न इनटू मुनाफा। घर में आओ तो पैसे लेके आओ, ये नहीं कि मुंह उतरा हुआ है, सारी खुशियां दोस्तों में बांट रहे हैं। घर पहुंचे तो माँ से सख्ती से बात, बाप से सख्ती से बात, भाई से गुस्से से बात, या अगर घर में बैठे हैं तो जितनी देर बैठे हैं, या मोबाइल में बैठे हैं या टीवी में बैठे हैं, वक्त दो अपने घर को इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। वक्त दो, जिंदगी वक्त देने का नाम है। हैं आप कह रहे हैं ना मौलाना 20 मिनट और पढ़ दीजिए, 10 मिनट और पढ़ दीजिए, आप वक्त मांग रहे हैं ना, मैं भी आपसे वक्त मांग रहा हूँ, आधा घंटा दे दीजिए, एक घंटा दे दीजिए, है ना। ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि खुदा ने वक्त दिया है, इसलिए आप दे रहे हो और मैं दे रहा हूँ। खुदा वक्त ना दे तो नहीं दे सकेंगे। दुनिया की सारी कौमें तरक्की कर रही हैं, सारी कौमें, किसी को गाली देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे और वो छोटा नहीं हो जाएगा। तराजू में तोले जाएंगे तब पता चलेगा कि 14 किलो का कौन है और 3 किलो का कौन है।